हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न क्लास थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 12 कैन बी शेयर। और इस चैप्टर से हमने क्या पढ़ा था, पहले कुछ पार्ट वन में अपना पहले कुछ पढ़ चुके हैं ना पार्ट वन में। और आगे हम आज जानेंगे टॉपिक है डिवीजन, मतलब विभाजन के बारे में। डिवीजन मतलब विभाजन, विभाजन के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर हमने पार्ट वन में कुछ सीखा था और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ डिवीजन मतलब विभाजन के भाग कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 8 डिवाइड बाई 2, मतलब 8 को कितने से डिवाइड करना है, 2 भाग में, है ना। तो क्या आएगा आंसर, तो इसके बारे में आगे देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ पार्ट्स को भी देखते हैं, क्योंकि हम पार्ट्स नहीं पढ़ते तो देख लेते हैं विभाजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना। और वो क्या बोलता है, यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड का क्या है, साइन है, है ना। एक लाइन ऊपर नीचे बिंदी होती है, डिवाइड का साइन है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ये यहाँ पर जो 2 का टेबल है वो 8 से ज्यादा ना हो ऐसा पढ़ना है, और जो भी आंसर आएगा ये हमारा क्वेश्चन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, आगे चलिए आप इसको देखते हैं। 2 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 8 से ज्यादा ना हो, तो 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 8 से ज्यादा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 10 तो क्या हो जाता है, 8 से ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 4 जा 8। तो कितने टाइम्स हमने टेबल पढ़ा, 4 टाइम्स, 4 हम यहां पर लिख देंगे, है ना। और नीचे 8 आया तो ये हुआ 8। अब इसे माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या आया, 0, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे ये कौन कौन से भाग हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको और ये, है ना। तो चलिए ये हमारा है पहला डिवाइजर, ये हुआ डिवाइजर मतलब भाजक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ हमारा, इसको डिवाइजर बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, है ना। अब देखते हैं भाज्य को, ये जो बीच में 8 है इसे आप देखिएगा, ये जो 8 है, है ना, इसको क्या बोला जाता है, डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब भाज्य, डिवाइडेड मतलब क्या हुआ आपका विभाज्य, मैं पढ़ा था ये हुआ डिवाइडर, ये हुआ डिवाइडेड मतलब भाज, है ना। अब देखते हैं जो हमने टेबल पढ़ा था 8 में 8 से ज्यादा ना हो, तो हमारा क्या आया था आंसर, 4 आया था। तो 4 ये क्या कहलाता है हमारा, है ना। तो 4 हमारा कहलाता है क्वेश्चन, चलिए सुन क्या कहलाता है, क्वेश्चन का मतलब इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, भागफल। ये हुआ क्वेश्चन, देखिए यहां ये वो डिवाइडर, डिवाइड है क्वेश्चन, वो जो होगा हमारे क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन, है ना। लेकिन यहां पर 9 होता तो 2 का टेबल हम पढ़ते तो 9 से क्या होता है, ज्यादा हो जाता 10, लेकिन 2 का टेबल 2 4 जा 8, तो यहां पर 8 आता और यहाँ पर जब माइनस करते तो 1 क्या हमारा रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पर जो भी संख्या का माइनस करने पर ये बड़ी है ये छोटी रहे, और माइनस करने पर जो संख्या यहाँ पर हमारा क्या है बच जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वह रिमाइंडर कहलाता है। सो स्टूडेंट ये वो डिवाइडर, डिवाइडेड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके okay. जो भी टेबल पढ़ने पर जो भी सेंटेंस शेष रहती है तो वो क्या कहलाता है हमारा, रिमाइंडर।
शेष फल है ना। इस तरह आप इसको देख सकते हैं, ये ऊपर डिवाइजर डिवाइडर के पार्ट ऑफ डिवाइडर है ना, मतलब डिवाइडर के भाग, डिवाइजर डिवाइडर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं इस संबंधित, कुछ बुक से आप देखते हैं तो बुक से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व, ठीक है, तो चलिए बुक में जाते हैं। ओके, हमने पढ़ा कैनवी शेयर के अंतर्गत, चैप्टर 12 के अंतर्गत हमने आज पढ़ा पार्ट ऑफ डिवीजन है ना, डिवीजन मतलब भाग, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कुछ, पार्ट वन में हमने पढ़ चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई आगे का शेयरिंग देम इक्वली है ना, ये हमारे हियर आर सिक्स बनानाज, यहाँ पर कितने बनानाज हैं, सिक्स बनानाज हैं है ना, मतलब छः केले हैं। अब इसको देखते हैं, इसको क्या करना है, बनाना है, इसको क्या करना है, शेयर करना है, मतलब बराबर बराबर भागों में है ना। हेयर आर थ्री मंकीज, यहाँ पर कितने मंकीज हैं, 1, 2 and 3 मंकीज। ओके, इफ दे शेयर द बनानाज इक्वली ईच मंकी विल गेट 2 बनानाज, अगर वह सब भी क्या करते हैं, ये बनानाज को शेयर करते हैं अपने आपस में, तीनों मंकी क्या करते हैं, शेयर करते हैं मतलब बांटते हैं, तो कितने कितने बनानाज पाएंगे, 2-2 बनानाज है ना, दो दो केले तीनों बंदर को मिलेगा। ओके, 6 बनानाज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 2 बनानाज ईच, मतलब सभी को कितने बनानाज मिलेंगे, 2 बनानाज मिलेंगे है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 2। ओके, ये हुआ हमारा 6 डिवाइड बाय 2 है ना, ये क्या है हमारा साइन किसका है, डिवाइडर डिवाइजर का है ना, तो 3 का टेबल हमने 6 डिवाइड बाय 3, 3 का टेबल हम 6 में पढ़ेंगे, तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 3 1 3 3 2 6, तो 2 टाइम्स हमारा टेबल गया, तो आंसर क्या है, 2 2, मतलब सभी को कितने कितने मिलेंगे, 2 2 बनानाज मिलेंगे। इफ देयर आर 6 बनानाज एंड 2 मंकीज, अगर यहीं पर 6 बनानाज होते और एक मंकी क्या होता, नहीं होता, मतलब टोटल मंकी कितनी होते, 1 and 2, टोटल मंकी की संख्या कितनी होती, 2 मंकी होते, तो एंड 2 मंकीज, इस मंकीज विल गेट 3 बनानाज, तो अब यहाँ पर कितने सभी दोनों मंकी को कितने कितने बनानाज मिलते, 3 बनानाज, कैसे, देखिए यहाँ से 2 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, अब 2 का टेबल हमको 6 में पढ़ना है, तो ऐसा पढ़ना है टेबल कि 6 से ज़्यादा ना हो है ना, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो कितने कितने क्या आया यहाँ पर, 3 हमारा आया क्वेश्चन, ये हुआ हमारा 2 है डिवाइडर एंड ये 6 है डिवाइडेंड, और जो भी ये हो कुछ होता तो रिमाइंडर, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे यहाँ 0 आया है ना, 6 में 6 माइनस करने पर, तो ये 2 मंकी, इसको 2 मंकी हो गए, ये 6 बनाना हो गया, और इनको टोटल कितने कितने मिलेंगे, 3 3 बनानास तीनों मंकी को मिलेंगे है ना, दोनों मंकी को। ओके, ईच मंकी विल गेट 3 बनानास, 6 बनानास डिवाइड बाय 2, 3 बनानास ईच, तो 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया है ना, तो ये 3 और ये 3 मिलेगा है ना, इसको प्लस भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 + 3 = 6। अब आगे देखते हैं, इफ देयर आर 60 बनानाज एंड 2 मंकीज, अब यहाँ पर क्या है, 60 बनानाज हैं और मंकीयों की संख्या कितने, बंदर कितने हैं, 2, हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट, तो प्रत्येक बंदर को कितने बनानाज मिलेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल बनानाज की संख्या है 60 है ना, टोटल कितने बनाना है 60, तो यहीं पर देख लेते हैं हम 60 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 2 का टेबल हमको पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो 3 हम 3 टाइम्स टेबल पढ़े तो 3 यहाँ पर लिखे एंड ये 6 यहाँ पर आया, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, अब नेक्स्ट संख्या है क्या 0, तो 2 0 0, यहाँ पर 0 का 0 आता है जब लास्ट में होता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट, ईच मंकी विल गेट 30 बनानाज, कितने
मिले उन सभी बंदरों को, दोनों बंदरों को 30-30 बनाना है ना। तो यहाँ पर क्या आप लिख देंगे 30। ओके नेक्स्ट है, फाइव फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज कॉइन्स ऑन द ग्राउंड। तो कितने फ्रेंड्स हैं, फाइव फ्रेंड्स हैं, वो क्या पाते हैं 10 रुपीज के कितने नोट्स पाते हैं, 5 नोट्स है ना, 10 5 रुपीज कॉइन्स। मतलब 10 5 रुपए के कॉइन्स कितने मिलते हैं उनको, 10 मिलते हैं, मतलब 10 5 रुपीज कॉइन्स मिलते हैं। दे शेयर देम इक्वली, अब वो क्या करना चाहते हैं, उसको बांटना चाहते हैं बराबर भागों में। ईच फ्रेंड्स गॉट 10 रुपीज, सभी फ्रेंड्स को कितने रुपीज आते हैं, 10 रुपीज आते हैं ना। जैसे 10 5 रुपीज के कॉइन्स हैं तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 10 50। तो 50 को 5 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दो, है ना, ये 50 हुआ, 50 को 5 फ्रेंड्स हो गए, और 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करने पर क्या आएगा, 5 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि 50 से ज़्यादा ना हो। तो 5 10 50, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या आया, 10 आया। इफ देयर आर 16 10 रुपीज नोट्स एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर देम, अब अगर उनके पास 16 10 रुपीज के नोट कितने होते हैं, 16, और वो क्या होता है, उनको 4 उनके दोस्त हैं उनमें बांटना होता, तो क्या करते हैं हम लोग, 16 को डिवाइड बाय 4, 16 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, तो कितने 10 रुपीज के नोट्स मिले सभी को, 4 4 10 रुपीज के नोट्स। मतलब अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 4 × 10, मतलब 4 कितने नोट्स हैं, 4 नोट्स हैं कितने के, 10 के, तो 4 × 10 किए तो इज इक्वल टू क्या आया, 40 रुपीज। ओके सो ईच फ्रेंड्स गेट्स 40 रुपीज, तो सभी दोस्तों को कितने रुपीज मिले, 40 रुपीज है ना। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और है, फाइव फ्रेंड्स फाउंड आर 500, इफ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच विल ईच गेट। तो 5 दोस्त हैं उनको कितने रुपीज मिलते हैं, 100 रुपीज मिलते हैं। अगर वह 100 रुपीज को आपस में शेयर करना चाहें तो क्या होगा, कितने कितने रुपीज उन सबको मिलेंगे, तो चलिए 100 / 5 इज इक्वल टू, 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है 100 से ज़्यादा ना हो, तो 5 2 10, नेक्स्ट 0 का 0, 5 0 0, तो कितने कितने रुपीज मिलेंगे उनको, 20 20 रुपीज है ना। इस तरह आप बुक में कंप्लीट करिए, और इसको कंप्लीट करके कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करके अगर जहाँ आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें से पूछ सकते हैं ना, आप हाउ मेनी सेल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके और इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट थैंक यू।